जय सियाराम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि नोकिया कंपनी की तरफ से आने वाला, एंड इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला नोकिया मैजिक मैक्स स्मार्टफोन, जो कि अपकमिंग होने वाला हमारे इंडियन मार्केट में। या तो ये अक्टूबर के एंडिंग वीक में लॉन्च होने वाला है या फिर नवम्बर के स्टार्टिंग वीक में ये लॉन्च हो जाएगा। और यदि नवम्बर में यदि ये स्मार्टफोन हमारे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होता है तो ये 2025 के स्टार्टिंग में हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आसानी से लॉन्च हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड प्राइस रेट के बारे में। तो सबसे पहले बात बता दूं, यह स्मार्टफोन एक ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन हो जाने वाला है। यानी कि इस स्मार्टफोन के जैसे ही हम कैमरे को यानी कैमरे में देखते हैं, मतलब कैमरे को जैसे ओपन करते हैं उसी प्रकार से हम मतलब कैमरे का पीछे क्या है वो, मतलब फोन के पीछे क्या है वो हम देख सकते हैं। पर इस स्मार्टफोन में यह फीचर दिया गया है, यह एक ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट शीशे की टाइप का यह स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी वजह से बिना किसी कैमरे को ओपन किए कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो सभी चीजें हम देख पाएंगे। यानी कि ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन हो जाने वाला है। साथ साथ इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाने वाला है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाने वाला है। उसी के साथ इसमें आपको 1280 × 2700 पिक्सल का रेजुलेशन भी देखने को मिल जाने वाला है। उसी के साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर्स भी इस स्मार्टफोन में आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाने वाला। उसी के साथ इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाने वाला है। उसी के साथ इस स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन में आपको 300 मेगापिक्सल का रियर साइड का मतलब मेन कैमरा देखने को मिल जाने वाला है, 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस देखने को मिल जाने वाला। उसी के साथ इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का इसका आपको मतलब डेप्थ सेंसर का कैमरा देखने को मतलब डेप्थ सेंसर की लेंस देखने को मिल जाने वाली। उसी के साथ इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाने वाला, जो कि दावा करता है HD रिकॉर्डिंग का और 20x जूमिंग का, यानी कि 20x तक आप इस स्मार्टफोन के कैमरे को आसानी से जूम कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाने वाला है। वो कौन कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है 8GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज, एंड दूसरा होने वाला है 12GB रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज, एंड तीसरा होने वाला है इसका 16GB रैम एंड 512GB का इंटरनल स्टोरेज। यानी 3 स्टोरेज वेरिएंट में हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 5000mAh की लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिल जाने वाला है। उसी के साथ इसमें आपको 120 वोट का फास्ट चार्जिंग भी आपको इस स्मार्टफोन की स्मार्ट बॉक्स में देखने को मिल जाने वाला। और इस स्मार्टफोन के साथ यदि आपको दूसरा स्मार्टफोन परचेस करना, और यदि आप इसे इस स्मार्टफोन के अलावा कोई दूसरा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर करो, उसमें आपको बेस्ट स्मार्टफोन की मतलब बाय लिंक दी गई है, उनसे जाकर आप सीधे परचेस कर सकते हो। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों की बाय लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ इंडिया मार्ट के ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट की भी बाय लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाने वाले, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इसी धमाकेदार एंड मजेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी इसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके जैसे हम इस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।